अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है तो आप लोग बिना झिझके एक ही जवाब दोगे, अमेरिका। अगर इस बात पे किसी को थोड़ा भी शक है तो जरा सोच के देखिए, किस देश की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, किस देश का GDP 20 ट्रिलियन से ज्यादा है, किस देश को सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिला है, किस देश की मिलिट्री दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है, फिर बस आपको एक जवाब मिलेगा, अमेरिका। आज हम जिस पावरफुल मॉडर्न अमेरिका को देखते हैं, क्या वो हमेशा से ही ऐसा था? जी नहीं। तो आखिरकार अमेरिका इतना शक्तिशाली कैसे बना, इसे जानने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है 1492 से, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका के पास कुछ कैरेबियन आइलैंड की डिस्कवरी की। इसी के बाद से ही यूरोपियंस को अटलांटिक महासागर के पार बसे अमेरिका के बारे में पता चला और यूरोपियंस में एक होड़ सी मच गई अमेरिका को कॉलोनाइज करने की। ब्रिटेन ने 1600 के अराउंड अपनी पहली कॉलोनी बनाई और फ्रांस ने भी कॉलोनाइजेशन की शुरुआत की। स्पेन ने ज्यादातर साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज किया, जिसे आज लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। इसीलिए ज्यादातर साउथ अमेरिकन कंट्रीज में आज भी स्पेनिश बोली जाती है। जनरली यही तीन मेन पावर थी जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज किया और नेटिव अमेरिकन्स का दमन किया। इसके कई दशकों बाद 4 जुलाई 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया ब्रिटिशर से, और इसी के साथ ही जन्म होता है USA का। खैर, अमेरिकन इंडिपेंडेंस की बात हम कभी और करेंगे। टॉपिक पे वापस लौटते हैं और चलते हैं 1850 के बाद के समय में, क्योंकि यही वो समय था जब अमेरिकन इकोनॉमी ने एक सडन चेंज दिखाया था। ये वो जमाना था जब ब्रिटिश, फ्रेंच और स्पेनिश कॉलोनाइजर दुनिया भर के कई देशों पर कब्जा करके बैठे थे। ऐसे में USA ऑलरेडी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था, इसीलिए बहुत सारे स्टेट USA के साथ जुड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें वही फ्रीडम, वही डेमोक्रेसी मिलती जो USA को मिल रही थी। यही कारण था कि फ्लोरिडा, ओहायो, इलिनॉय और टेक्सास जैसे स्टेट ने प्रिफर किया कि वो अमेरिका के साथ जुड़ जाएंगे, इंस्टेड ऑफ वो किसी देश की कॉलोनी बन के रह जाएं। और ऐसे ही कई स्टेट USA के साथ जुड़ते गए और अमेरिका बड़ा बनता गया। कहने को अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री जरूर था, लेकिन उनके भी इंटेंशन यही थे कि जितना वो अपनी टेरिटरी को एक्सपांड करें उतना अच्छा होगा। 1900s के खत्म होते होते ढेरों स्टेट USA का पार्ट बन चुकी थी और USA एक बहुत बड़ा देश बन चुका था। और जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा देश होगा उतनी ही बड़ी इकोनॉमी होगी, उतना ही ज्यादा GDP होगा। खैर, ये तो बस शुरुआत थी, असली जादू तो 1900 से 1950 के बीच होता है। अगर आपको याद हो तो ये वही समय था जब दुनिया वर्ल्ड वॉर की आग में जल रही थी, लेकिन दोनों वर्ल्ड वॉर ज्यादातर यूरोप की जमीन पे लड़ी गई थी। फ्रांस, जर्मनी, UK, स्पेन, इटली सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और USA अपना साइड में दूर अलग से बैठा था। हालांकि अलग अलग देशों को हथियार और मिलिट्री सप्लाई करके USA ने भी इनडायरेक्टली वॉर में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन USA की जमीन वर्ल्ड वॉर से बची रह गई थी। यही कारण था कि USA इकलौती कंट्री थी जो प्रॉफिट में रही थी वर्ल्ड वॉर के दौरान। यूरोपियंस कंट्रीज में तबाही देखकर यूरोपियंस को लगा कि उनकी इकोनॉमी डूबने वाली है, तो अपना पैसा बचाने के लिए यूरोपियंस ने US डॉलर में इन्वेस्ट करना चालू किया, क्योंकि USA काफी स्टेबल कंट्री थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। तो इतने सारे लोगों का US डॉलर में इन्वेस्ट करने के कारण US डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। 1944 में जब वर्ल्ड वॉर टू अपने अंत पे खड़ा था, तब 44 अलाइड कंट्रीज साथ में आई और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए अपनी करेंसी को US डॉलर के साथ लिंक कर देंगे। और ऑब्वियसली अलाइड कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 जीती और US डॉलर इसी तरह से इंटरनेशनल करेंसी बन गया। 1950 के बाद USA और सोवियत यूनियन दो सबसे बड़ी सुपर पावर बन के उभरी और यहाँ शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच, लेकिन एक दूसरे से डायरेक्टली लड़ने के बजाय इन्होंने अलग अलग देशों में जाकर लड़ाई करना चालू किया। जिन जिन देशों
देशों में अमेरिका को लगता कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैल रही है, वो जाकर उन देशों में सरकारें गिरा देते थे। कभी ऑपोजिशन की फंडिंग करके, तो कभी टेररिस्ट रेबल ग्रुप की फंडिंग करके, तो कभी डायरेक्टली असैसिनेट करके रेवोल्यूशनरीज को। ऐसी ही कहानी सुनने को मिलती है ब्राजील, चिली, ईरान, कांगो, अर्जेंटीना और कई सारे एग्जाम्पल है ऐसे देशों से। इतने सारे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की वजह से बहुत सारे देश डायरेक्टली डिपेंडेंट बन गए यूएसए पर, जिसकी वजह से अमेरिका और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। यही कारण है कि अमेरिका के 800 से ज्यादा मिलिट्री बेस है 70 से ज्यादा अलग अलग देशों में, और इसी की वजह से अमेरिका की मिलिट्री पावर बेस्ट है दुनिया में। 1949 में अमेरिका ने नेटो अलायंस बनाई यूरोपियन कंट्रीज के साथ सोवियत यूनियन के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, और यही कारण था कि अमेरिका हमेशा से ही कोऑपरेटिव रहा है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। कोल्ड वॉर के समय ऑलमोस्ट हर एक देश या तो अमेरिका के साथ था या तो सोवियत यूनियन के साथ। यही कारण था कि ये दोनों ही देश सुपर पावर बन गए। 1900s के बाद जब सोवियत यूनियन टुकड़ों में बिखर गया, तब सिर्फ एक ही सुपर पावर देश रह गया दुनिया में, जो था अमेरिका। खैर, ये सब तो जियोपॉलिटिकल रीजन थे, लेकिन कुछ इंटरनल रीजन भी थे जिसकी वजह से अमेरिका इतना पावरफुल बन पाया। एक ऐसा ही रीजन है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज थी वो हमेशा ही अच्छे और टैलेंटेड इमिग्रेंट को अट्रैक्ट करती थी। कितने सारे एग्जाम्पल है इसके। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक जर्मन थे जो अमेरिका में जाकर बड़े पॉपुलर हुए। एलोन मस्क जो एक साउथ अफ्रीकन है वो अमेरिका में जाके इतने सक्सेसफुल बने। अमेरिका की पॉलिसीज है कि वो हमेशा टैलेंट को बढ़ावा देता है, और यही कारण है कि अमेरिका आज इतना पावरफुल है।